आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रॉग अदब में खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट पेपर टू, इंटरनेट जेआरएफ उर्दू पेपर टू यूनिट टू उर्दू मसनवी का आगाज़ और इर्तका के मतलब 20 सवाल लेकर हाजिर हुआ। तो आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से। इससे पहले मैं एक सवाल जो पार्ट टू में हमसे गलती हो गई थी वो मैं आपके सामने पेश कर दूं। मसनवी शहरुल बयां का सबसे मुतहरिक और फ़याल किरदार कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक है बेनज़ीर, ऑप्शन नंबर टू है बदर मुनीर, ऑप्शन नंबर थ्री है नजमुन्निसा, ऑप्शन नंबर फोर है मारूफ परी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री नजमुन्निसा। नजमुन्निसा जो मसनवी शहरुल बयां के का सबसे मुतहरिक और फ़याल किरदार है। सवाल नंबर एक है लाए इस बुत का इल्तजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये शेर किस मसनवी निगार का है? ऑप्शन नंबर एक है मीर तक़ी मीर, ऑप्शन नंबर टू है मीर हसन, ऑप्शन नंबर थ्री है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर फोर है दया शंकर नसीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर दया शंकर नसीम। ये शेर मसनवी गुलजार नसीब में शामिल है। सवाल नंबर टू है मीर हसन का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है मीर सज्जाद हुसैन, ऑप्शन नंबर मीर गुलाम हसन, ऑप्शन नंबर थ्री मीर गुलाम हुसैन, ऑप्शन नंबर मीर मशहूर हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू मीर गुलाम हसन। सवाल नंबर थ्री है किस मसनवी को नूर हसन हाशमी और मशहूर हुसैन खान ने मिलकर मरतब किया है? ऑप्शन नंबर एक है कदम राव पदम राव, ऑप्शन नंबर टू है बिकत कहानी, ऑप्शन नंबर थ्री है शहरुल बयान, ऑप्शन नंबर फोर है गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू बिकत कहानी। सवाल नंबर फोर है मसनवी कुतुब मुस्तरी में शहजादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? ऑप्शन नंबर एक है सिलखन परी, ऑप्शन नंबर टू है महताब परी, ऑप्शन नंबर थ्री है लाल परी, ऑप्शन नंबर फोर है सब्ज परी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू महताब परी। सवाल नंबर सिक्स है मसनवी शहरुल बयां, फाइव है मसनवी शहरुल बयां में किस बादशाह की मदह की गई है? ऑप्शन नंबर एक है नसीरुद्दीन हैदर, ऑप्शन नंबर टू है सराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर थ्री है शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर फोर है आसिफुद्दौला। तो इसका सही जवाब है नवाब आसिफुद्दौला। सवाल नंबर सिक्स है जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन नंबर एक है बोस्तान ख्याल सिराज औरंगाबादी की मशहूर मसनवी है, ऑप्शन नंबर टू है शुमाल हिंद की पहली मसनवी शहरुल बयान है, ऑप्शन नंबर टू है थ्री है उर्दू में सबसे पहले दिल्ली में ही मसनवी लिखी गई, ऑप्शन नंबर फोर है पंडित दयाशंकर नसीम नासिक के शागिर्द थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक बुस्तान ख्याल सिराज औरंगाबादी की मशहूर फारसी मसनवी है। शुमाली हिंद की पहली मसनवी शहरुल बयां नहीं बल्कि बिकट कहानी है, उर्दू में सबसे पहले दिल्ली में नहीं बल्कि दक्कन में मसनवी लिखी गई, और ऑप्शन नंबर फोर पंडित दयाशंकर नसीम नासिक के नहीं बल्कि आतिश लखनवी के शागिर्द थे। सवाल नंबर सेवन है मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुस्तरी में किन शुरा का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वह होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? ऑप्शन नंबर ए अनवर अरफी, फिरोज़ महमूद, ऑप्शन नंबर टू है फिरोज़ महमूद, ऑप्शन नंबर थ्री निज़ामी व हाशमी, ऑप्शन नंबर थ्री बंदा नवाज गैसु दराज व अकबर हुसैनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फिरोज़ महमूद। सवाल नंबर एट है मसनवी गुलजार नसीम में बकावली जमीला के रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? ऑप्शन नंबर एक है 7, ऑप्शन नंबर टू है 15, ऑप्शन नंबर थ्री है 10, ऑप्शन नंबर फोर है 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक 7 दिन। सवाल नंबर 9 है सैयद अहमद खान हुनर ने किस मसनवी को के जवाब में नया दर्पण लिखी थी? ऑप्शन नंबर एक है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर टू है फुल वन, ऑप्शन नंबर थ्री है गुलशन इस, ऑप्शन नंबर फोर है खावे नामा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू फुल वन। सवाल नंबर 11 है दखनी उर्दू में रजमिया मसनवी किसने लिखी? ऑप्शन नंबर एक है फखरुद्दीन निज़ामी, ऑप्शन नंबर टू है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर थ्री है नुसरती, ऑप्शन नंबर फोर है रुस्तमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री नुसरती।
सवाल नंबर 11 है, उर्दू की किस मसनवी में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर 2 है शहरुल बयान, ऑप्शन नंबर 3 है गुलजारी नसीब, ऑप्शन नंबर 4 है दरियाए इश्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गुलजारी नसीब। सवाल नंबर 12 है, मसनवी गुलजारी नसीब पहली बार कब शाये हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1840, ऑप्शन नंबर 2 है 1842, ऑप्शन नंबर 3 है 1844, ऑप्शन नंबर 4 है 1845। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1844। सवाल नंबर 13 है, किस मसनवी को दखनी जबान का शाहनामा करार दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर 2 है गुलशन इश्क, ऑप्शन नंबर 3 अली नामा, ऑप्शन नंबर 4 है तारीख सिकंदरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अली नामा। सवाल नंबर 14 है, दर शरह शेर गोयद किस मसनवी का बाप है? ऑप्शन नंबर 1 है अली नामा, ऑप्शन नंबर 2 है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर 3 है गुलशन इश्क, ऑप्शन नंबर 4 है फूलबन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुतुब मुश्तरी। सवाल नंबर 15 है मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार अतारत का पेशा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मसवीर, ऑप्शन नंबर 2 है डाकू, ऑप्शन नंबर 3 है वकील, ऑप्शन नंबर 4 है पुलिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मसवीर। मसवीर ये औरतों की तस्वीरें जमा करता था। सवाल नंबर 16 है, मसनवी गुलजारी नसीम को पंडित दयाशंकर नसीम ने कितने साल की उम्र में लिखी थी? ऑप्शन नंबर 1 है 25, ऑप्शन नंबर 2 है 28, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 35। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 28 साल की उम्र में लिखी थी। सवाल नंबर 17 है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इश्क, ऑप्शन नंबर 2 है तसव्वुफ़, ऑप्शन नंबर 3 है सियासत, ऑप्शन नंबर 4 है हिजरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इश्क। सवाल नंबर 18 है, ज़ेल में से कौन सी मसनवी रजमिया मसनवी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अली नामा, ऑप्शन नंबर 2 है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन नंबर 3 है फ़तहनामा बिखेरी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। रजमिया मसनवी उस मसनवी को कहते हैं जिसमें किसी जंग का हालात बयान किया गया हो, उसको रजमिया मसनवी, और जिसमें इसको दास्तान बयान किया गया हो उसको बजमिया मसनवी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कुतुब मुश्तरी। ये एक बजमिया मसनवी है, रजमिया मसनवी अली नामा फतनामा बिखेरी। सवाल नंबर 19 है, ज़ेल में से कौन सा बयान गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है मसनवी को बयान शायरी की मेराज भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है फ़नी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, ऑप्शन नंबर 3 है वजही कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था, ऑप्शन नंबर 4 है गुलशन इस इब्ने निसाती के मशहूर मसनवी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गुलशन इस इब्ने निसाती की मशहूर मसनवी नहीं बल्कि नुसरती की मशहूर मसनवी है। सवाल नंबर 20 है, पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजारे नसीम का किस्सा कहाँ से अखज किया है? ऑप्शन